वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल्स। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्क्राइब अबाउट द प्रेडेशंस, मींस वी डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन डिफरेंट स्पीसीज। टुडे अगेन वी डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन इंटरेक्शंस इन डिफरेंट स्पीसीज एंड डिफरेंट प्रोसेस विच अकर इन केस ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। ओके, so let us start the today topic, that is the we discuss here parasitisms, amensalism and commensalisms। okay, ये three topic है जिसको आज मैं deliver कर रहा हूँ यहाँ पर in case of population interactions। first one, that is the parasitisms। what is the parasitisms? It is a relationship between two living organisms of different species in which one organism is called as a parasite, often its food directly from the another living organism called host। So everyone know about them, parasite means those organism that is obtain their food from other living organisms is known as the parasites, or is process kehte hain parasitisms। और इसमें जो पैरासिटिज्म में होता है, जो ऑब्टेन करता है फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द पैरासाइट्स, और जिससे ऑब्टेन करता है दिस इज नोन एज द होस्ट। जस्ट लाइक यू सी हियर, दैट इज गिवन वन डायग्राम और फिगर, यू सी हियर मॉस्किटो है, दिस इज द पैरासाइट ऑफ द ह्यूमन बॉडीज दैट इज टेकिंग द ब्लड। ये भी क्या है, एक पैरासाइट है मॉस्किटो। क्लियर। टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, यदि टाइप्स की बात करें, दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स आर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट्स। फर्स्ट वन इज द एक्टो पैरासाइट एंड इंडो पैरासाइट्स। एक्टो मीन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटसाइड द बॉडीज इज नोन एज द एक्टो पैरासाइट्स, एंड which occur inside the bodies this is known as the endoparasites। clear। so ectoparasites means ectoparasites live on the surface of the host, where that is present on the surface of host means outside of the bodies, so this is known as the ectoparasites। they can be temporary, इंटरमिटेंट्स और परमानेंट। जो ये पैरासाइट्स होते हैं यह टेम्प्रोरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस। ओके, दे कैन बी हेमी पैरासाइट्स और होलो पैरासाइट्स, दैट इज क्लियर। रेस्पिरेशन इज एरोबिक। इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ बॉडीज दे रिस्पायर एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रेस्पिरेशन अकर इन साइड देम। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट्स जस्ट लाइक ए विंग्स ऑफ फ्लीज, बेड बग्स, लाइस, मॉस्किटो एटसेट्रा। ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होता है विच आर प्रेजेंट आउटसाइड फ्रॉम द बॉडीज और सरफेस ऑफ द बॉडीज। सेकेंड वन इज द एंडोपैरासाइट्स। व्हाट इज द एंडोपैरासाइट्स? एंडोपैरासाइट्स लिव इन द बॉडी ऑफ होस्ट, दे आर जनरली परमानेंट पैरासाइट्स। ये जनरली परमानेंट पैरासाइट होते हैं, क्यों? क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन साइड द बॉडीज वेन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या होस्ट दे डाइड, दैट इज ऑल्सो डाइड बिकॉज दैट इज प्रेजेंट इन साइड देम। ओके, दे आर यूजली होलो पैरासाइट्स मीन्स पूर्ण रूप से दैट इज डिपेंडेंट ऑन द होस्ट। रेस्पिरेशन हियर इज द एनरोबिक कंडीशन बिकॉज दैट इज प्रेजेंट इन साइड द बॉडीज, सो दैट इज द रेस्पायर थ्रू द एनरोबिक कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक ए टीनिया सोलियम्स, टेप वर्म, यू नो अबाउट दैम विच आर प्रेजेंट इन साइड द बॉडीज। क्लियर। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द
ectoparasite and endoparasites, that is clear. Next one is the temporary and permanent parasites. Temporary parasites live in the contact with host for only a part of their life or occasionally at the time of feeding. ठीक है, जो टेम्प्रोरी पैरासाइट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में बहुत कम समय के लिए आते हैं, होस्ट पर कम समय के लिए होते हैं फॉर देयर लाइफ. फॉर एग्जांपल जो बेड बग है, लिच है, ओके. सो दिस इज आल्सो नोन एज द इंटरमिटेंट पैरासाइट्स, इसको हम इंटरमिटेंट पैरासाइट भी बोलते हैं. क्लियर. In fact, the female mosquito is not considered a parasite because it transfers the parasite to the human beings. Mosquito को हम parasite के अंदर नहीं रख सकते हैं because that is transfer of the parasites. वो plasmodium parasite को transfer करने काम करता है. So it is the vector. परमानेंट पैरासाइट्स लाइव इन द कंटैक्ट विद द होस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ. ठीक, परमानेंट जो पैरासाइट्स होते हैं वो जो होस्ट है उसके बॉडी के साथ वो कंटैक्ट रहते हैं होल लाइफ, पूरे जीवन भर तक. एंड दे आर ट्रांसफर टू न्यू होस्ट एज एग, सिस्ट और डायरेक्टली. और यह न्यू होस्ट में ट्रांसफर होते हैं किसके थ्रू, दैट इज रिलीज थ्रू द एग, सिस्ट ओके. तो परमानेंट पैरासाइट का एग्जांपल है जैसे एस्केरिस है, एंट अमीबा है, लाइस है. ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडीज और ये टोटली दैट इज डिपेंडेंट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स होस्ट पर पूर्ण रूप से डिपेंड है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज द होलो पैरासाइट एंड हेमी पैरासाइट्स. होलो पैरासाइट्स आर दोज पैरासाइट विच आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर ऑल दियर रिक्वायरमेंट, जो पूर्ण रूप से डिपेंड हो किस पर, पैरासाइट पर. ओके, तो होलो पैरासाइट मीन्स विच आर completely dependent on the host for all their requirement. For example, Rafflesia, Cuscuta, animal parasites, that is clear. Cuscuta is known as the receive even the flower inducing hormones or foreign fluorescence from the host. Clear. And next one is the hemi or semi parasites are those parasites which receive only a part of nourishment from the host while the rest is manufactured up by them. Hemi parasites means वो host पर तो depend है लेकिन that is the make their own foods. For example, Viscum Loranthus. Viscum Loranthus ये क्या है, hemi parasites है. That is clear. Next one is the stem and root parasites. They are parasites on plant and are in contact with the host plant either in the region of stem. For example, Cuscuta, Loranthus, Viscum, stem borer, aphids. ये सब क्या है, stem parasites हैं. Or root parasites, for example, Rafflesia, root nematodes. ओके, बैक्टीरियल फंगल एंड वायरल पैरासाइट्स अकर ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. बैक्टीरिया हो, फंगल हो, वायरस हो, या दैट इज आल्सो पैरासाइट ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. द पैरासाइट विच लिव इन द प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटो पैरासाइट्स. ठीक, दोस पैरासाइट विच आर लिव इन प्लांट, जो प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, रहते हैं प्लांट में, दिस नोन एज द phytoparasites. Next one is the pathogenic and non-pathogenic. You know about them directly, आपको clear हो जाएगा. Pathogenic मतलब जो which cause the disease and non-pathogenic which cannot cause the disease.
तो पैथोजेनिक मीन्स पैरासाइट्स मे नॉट हार्म द होस्ट आइदर बिकॉज इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ फूड और डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर इट्स डेड टिश्यू ओनली. दे आर कॉल्ड नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट. इस तरह का हम कहते हैं नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट. फॉर एग्जाम्पल एंट अमीबा कोलाई अदर पैरासाइट विच कॉज द डिजीज इन द होस्ट दे आर नोन एज द पैथोजेनिक पैरासाइट्स जस्ट लाइक ए विब्रियो कॉमा या विब्रियो कॉलरी कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रेस रस्ट स्मस्ट पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ प्लांट्स फंगल डिजीज रिंग वर्म्स दे आर पैथोजेनिक पैरासाइट्स. क्लियर. हाइपर पैरासाइट्स देयर इज अनदर टॉपिक या टाइप्स ऑफ द पैरासाइट्स. हाइपर पैरासाइट्स इट इज द नेम ऑफ पैरासाइट विच लिव्स ऑन अनदर पैरासाइट. यह पैरासाइट जो होता है दूसरे पैरासाइट में रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम बैक्टीरियोफेज होते हैं. बैक्टीरिया और वायरस दोनों पैरासाइट्स होते हैं. बैक्टीरिया पर डिपेंड कौन है वायरस उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज. तो इसको हम इस तरह का पैरासाइट को हम कहते हैं हाइपर पैरासाइट्स. दैट इज क्लियर. वन इज द स्पेशलाइज्ड पैरासाइट दैट इज नोन एज द ब्रूट पैरासाइट्स. ब्रूट पैरासिटिजम्स इन बर्ड्स. ठीक है. और यह एग्जाम में मैक्सिमम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ब्रूट पैरासिटिजम्स. व्हाट इज द ब्रूट पैरासिटिजम्स. ब्रूट पैरासिटिजम्स इन बर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ द पैरासिटिजम्स इन विच द पैरासिटिक बर्ड्स ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट एंड द होस्ट इनक्यूबेट्स देम. ठीक है. इसमें क्या होता है जो पैरासाइट्स बर्ड्स है अपनी एक होस्ट वाले बर्ड में देती है और होस्ट का जो ऑर्गेनिजम्स होता है उसको इनक्यूबेट करता है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासाइट्स बर्ड्स हैव इवॉल्व टू रिजेंबल्स द होस्ट एग इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांस ऑफ द होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग्स एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट. ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ कुकू एंड द क्रो इन योर नेबरहुड्स फॉर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन्स स्प्रिंग टू समर एंड वॉच द ब्रूट पैरासिटिज्म इन एक्शन. नॉर्मली यू सी इन केस ऑफ क्रो एंड कुकू जो स्पीसीज हैं कोयल और क्रो इसमें इस तरह का देखने को आपको मिलता है ब्रूट पैरासिटिजम्स. ओके. इसमें क्या होता है कि एक जो पैरासिटिजम ऑर्गेनिजम्स होता है ले द एग्स इन द नेस्ट ऑफ अनदर दूसरे के नेस्ट में अपना एग देती है. फॉर द लेटर द इनक्यूबेट देम वो उसको इनक्यूबेट करता है. ठीक है. ग्रोथ कराता है. द एग्स ऑफ पैरासाइट्स बर्ड्स हैव इवॉल्व टू रिजेंबल्स द होस्ट एग टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड फ्रॉम डिटेक्टिंग एंड इजेक्टिंग द पैरासिटिक एग्स फ्रॉम द नेस्ट. क्लियर. तो कोकू और क्रो इसका एग्जाम्पल है. इसमें क्या होता है जो कोयल होती है अपना एग्स क्रो के नेस्ट में देती है. क्रो उसको ग्रोथ कराता है. ठीक है. जब वो बड़ा होता है आइडेंटिफाई हो जाता है उसकी थ्रू द वायस क्योंकि कलर तो एक ही तरह का होता है लेकिन जब उसकी वायस के थ्रू पता चलता है कि नेक्स्ट स्पीसीज है तो उसको बाहर कर दिया जाता है तब तक वो उड़ने लायक हो जाती है. ओके. देयर इज द वन एग्जांपल ऑफ ब्रूट पैरासिटिजम्स. व्हाट इज द एडेप्टेशन फॉर द पैरासाइट लाइफ. क्या करेक्टर रिक्वायर्ड होती है या विच करेक्टर आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स. सो देयर आर डिफरेंट करेक्टर्स आर प्रेजेंट
फर्स्ट वन दैट इज द एनोरोबिक रेस्पिरेशन इन द इंटरनल पैरासाइट्स, इंटरनल पैरासाइट्स है उसमें एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दैट इज क्लियर। सेकेंड लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, इसमें लॉस हो जाता है अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन इसमें प्रेजेंट नहीं होते। एडहेसिव ऑर्गन्स, एडहेसिव ऑर्गन जस्ट लाइक ए सकर इन द लीज, टैप वर्म, ये प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडीज। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम्स वेल डेवलप्ड नहीं होते। ओके, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इस तरह का ऑर्गेनिज्म जो होता है रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, जस्ट लाइक इन केस ऑफ एस्केरिस इन वन टाइम दैट इज रिलीज 1 lakh eggs और मोर देन 1 lakh eggs। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एमेंसलिज्म्स, व्हाट इज द एमेंसलिज्म्स, इन एमेंसलिज्म्स व्हाट इज द एमेंसलिज्म्स, एमेंसलिज्म इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन विच एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट अलाउ अदर ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो और लाइव नियर इट। मीन्स इसमें दो स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं, एक जो स्पीसीज होता है दूसरे स्पीसीज को अपने नियर अबाउट ग्रोथ करने नहीं देता। ठीक है, Inhibition the achieved through the secretion of chemicals called allochemicals. क्यों होता है? Because it is secrete one chemicals. This is known as the allochemicals. For example, penicillium does not allow to the grow of staphylococcus bacterium. जैसे यदि हम medium में growth कराएं penicillium और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को, जो पेनिसिलियम होता है वह इनहिबिट कर देता है स्टेफाइलोकोकस के ग्रोथ को। ट्राइकोडर्मा द ग्रोथ ऑफ फंगस एस्परजिलस वाइल द कनुलस आर्विनेसिस इनहिबिट्स द जर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वीड्स। ठीक है, जैसे ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है, यदि फंगस एस्परजिलस के साथ ग्रोथ कराएं तो ट्राइकोडर्मा क्या करता है, एस्परजिलस के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है और इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। ठीक है, इसमें वी आर शोइंग द ग्रोथ ऑफ एग्रोबैक्टीरियम अगेंस्ट द फ्यूजेरियम ऑग्जियोस्पोरम जो वेल्टिंग डिजीज कॉज करता है, उसके अगेंस्ट मैंने ग्रोथ कराया था ट्राइकोडर्मा स्पीसीज को। ठीक है, और उसको इजीली देखा गया था। ओके, जस्ट लाइक यू सी देयर इज टू स्पीसीज आर गिवन हियर, जैसे 4-3 दिया है। ठीक है, जो 4 वाली स्पीसीज है उसकी साइज इंक्रीज कर दिया जाता है, जो 3 वाली साइज है उसकी साइज रिड्यूस हो जा रहा है, जस्ट लाइक यू सी हियर। यहाँ आप देखिए बिल्कुल नियर है, ये एक पॉइंट देखिए, 3 वाले जो स्पीसीज है उसको रिड्यूस कर दे रहा है, उसको ग्रोथ नहीं करने दे रहा है, और 4th वाला वो ग्रोथ करता जा रहा है। इस तरह के यदि कंडीशन प्रेजेंट है 2 स्पीसीज के बीच में, जिसमें एक तो ग्रोथ करता है दूसरे को इनहिबिट कर देता है जो उसके नियर अबाउट है, इस तरह के हम एसोसिएशन को अमेंसलिज्म बोलते हैं। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द कमेंसलिज्म्स, व्हाट इज द कमेंसलिज्म्स, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन विच वन इज द बेनिफिटेड वाइल द अदर इज नाइदर हार्मफुल नॉर बेनिफिटेड एक्सेप्ट टू अ नेग्लिजिबल एक्सटेंट। ठीक है, इन सच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीसीज इज द बेनिफिटेड बट अनदर स्पीसीज नॉट बेनिफिटेड नॉट हार्म, मतलब इसमें 2 तरह की स्पीसीज होती हैं,
जिसमें एक को तो लाभ होता है, दूसरे को न तो लाभ होती है न तो हानि होती है, ठीक है। इस तरह के एसोसिएशन को हम कहते हैं कमेंसलिज्म्स। फॉर एग्जांपल, पायलट फिश ऑलवेज अकॉम्पनीज शार्क विदाउट गेटिंग अटैच टू द सेम। ओके, जो पायलट फिश होते हैं, जस्ट लाइक यू सी ये स्ट्रक्चर, वह शार्क के नियर अबाउट रहते हैं, उसके नीचे ये रहते हैं। ओके, व्हाट हैपन इज इट फीड्स ऑन द फॉलिंग पीसेस ऑफ फूड व्हेन द शार्क इज ईटिंग द प्रे। जब प्रे को ईट करता है शार्क, तो उसका जो मटेरियल है फीडिंग के थ्रू जो टूट के गिरते हैं, उसको वह अपने फूड में यूज करते हैं पायलट फिश। द अनदर एग्जाम्पल दैट इज द सकर फिश अटैच इट सेल्फ टू द अंडर द सर्फेस ऑफ शार्क विद द हेल्प ऑफ डॉर्सल फिन्स विच इज मॉडिफाइड इन टू द होल्ड फास्ट। सकर फिश गेट्स अ फ्री राइड्स। ओके, नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल इज जैकल्स फॉलो द लायन और टाइगर वाइल आर्कटिक फॉक्स फॉलो द सील फॉर द ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द पीसेस और बिट्स लेफ्ट बाय द प्रेडेटर्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है। जैसे जैकॉल होता है हमेशा लायन या टाइगर का फॉलो करता है, किस लिए, जो फूड वो यूज़ करता है, ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट होता है, बचा हुआ मटेरियल होता है, वो यूज़ करता है। इन केस ऑफ प्लांट की बात करें, एपिफाइट्स आर सम ग्रीन प्लांट्स विच ग्रो पर्च्ड ऑन लार्जर प्लांट्स फॉर स्पेस ओनली। ठीक है, जो एपिफाइट प्लांट्स होते हैं वो लार्जर प्लांट के ऊपर ग्रोथ करते हैं, ठीक, बट दे कैन नॉट अफेक्ट देम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आर्किड है, मॉसेस है, सम फर्न्स हैं, क्लियर। दे आर अदरवाइज न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट एपिफाइट्स आर कॉल्ड द स्पेस पैरासाइट्स। इसको हम स्पेस पैरासाइट भी बोलते हैं, इस तरह के स्पीसीज को, विच आर डिपेंडेंट न्यूट्रिशनली, अदरवाइज न्यूट्रिशंस। ओके, द अनदर एग्जाम्पल दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एनीमोन, और ये एग्जाम्पल मैक्सिमम एग्जाम में आता है। द रिलेशनशिप बिटवीन सी एनीमोन एडेम्सिया पैलिकाटा एंड हर्मिट क्रैब इज कंसिडर कमेंसलिज्म्स बाय सम म्यूचुअलिज्म्स बाय अ फ्यू एंड प्रोटो कोऑपरेशन बाय अदर्स। सी एनीमोन इज द सिडेंट्री वाइल हर्मिट क्रैब इज द फ्री स्विमिंग। हर्मिट क्रैब रिसाइड्स इनसाइड द एम्प्टी स्नेल सेल फॉर द प्रोटेक्शन। द सी एनीमोन ऑल्सो यूजेज स्नेल सेल एज ए पोर्टेबल हाउस। सी एनीमोन इज द बेनिफिटेड बाय दिस एसोसिएशन इन दैट इट इज एबल टू फाइंड मोर फूड। क्लियर, ओके। सो दिस इज द कमेंसलिज्म्स, जिसमें एक को तो बेनिफिट हो रहा है, अनदर स्पीसीज को ना तो बेनिफिट ना तो हार्म होता है, इस तरह के एसोसिएशन को हम कमेंसलिज्म कहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। इफ यू लाइक देम देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द आइकन बेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।